सब्जेक्ट ईएनवी करने जा रहे हैं। देखिए लेसन नंबर वन, व्हाट डिड पूनम सी, ये लेसन का आपका नाम है। इसको हम रीड करेंगे इसके बारे में और साथ में समझेंगे। पूनम वाज एट होम, देखो पूनम क्या थी, घर पे थी। शी वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार थी। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टूडे, तो पूनम मम्मी से बोलती है अपनी मोम से कि मम्मा मेरे को कहाँ जाने दो, स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट टू डेज, मैं पिछले दो दिन से घर पे ही थी। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं पूरी बोर हो चुकी हूँ। कौन कहती है, सेड पूनम, पूनम कहती है। यू स्टिल हैव फीवर, तो उसकी मम्मी आंसर में क्या बोलते हैं कि आपको बुखार है, अभी भी है। गो आउटसाइड एंड लाई डोंट ऑन द कॉट, बाहर में जाओ, वहाँ पे जाके क्या करो आप, खटिया पे लेट जाओ। रिप्लाइड माँ, कौन बोलती है, पूनम की मम्मी। पूनम वेंट आउट, पूनम बाहर जाती है। शी फेल अस्लीप ऑन द कॉट, और वो जाके क्या करती है, खटिया पे सो जाती है। सडनली मतलब अचानक, समथिंग फेल ऑन हर फेस, तो अचानक से क्या होता है, जब वो सोई होती है उसके फेस पे कुछ गिरता है। पूनम वोक अप, पूनम तुरंत ऐसे उठती है। एट वंस एंड टच हर चिक्स, और अपने गाल को हाथ लगाती है। ओह नो, क्या बोलती है, ओह नो हूज मिसचीफ इज दिस, ये किसने किया, इज इट ऑफ क्रो आर ऑफ पिगन, तो उसने क्या बोला, जा तो ये क्रो है जा तो पिगन है। इट सीम्स इट ऑफ क्रो, तो जब उसने देखा तो कौन था, क्रो। तो देखिए इस कहानी में पूनम क्या है, बीमार होती है, वो दो दिन से घर पे होती है, बोर हो जाती है, तो अपनी मम्मी से क्या बोलती है कि मेरे को स्कूल जाने, तो उसकी मम्मी उसको स्कूल नहीं जाने देती है, बोलती है कि तेरे को दो दिन से बुखार है, घर से बाहर में खटिया लगाओ और सो जाओ। तो वो बेचारी सोई होती है, अचानक से क्या होता है, उसके फेस पे कुछ ऐसी गिर जाता है कुछ, तो वो देखती है ऊपर की तरफ क्या होता है, तो ऊपर की तरफ जब वो देखती है एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स वगैरह बैठे होते हैं, तो उन्हीं को वो देखती है, तो देखा उसने कि ये किसी जकरो ने या पिगन ने किया। देखिए अभी पिक्चर में देखिए पेड़ के ऊपर कौन कौन बैठा है, पिगन है, स्क्योल है, क्रो है, फिर मॉन्की है, बटरफ्लाई है, स्पैरो है, फिर स्टॉक है, ये सब वर्ड्स एनिमल्स बैठे हुए थे, तो उसी को पूनम देख के बोलती है इसी में से किसी एक ने ऐसा किया है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पूनम लुक अप, पूनम ने ऊपर देखा। शी सा मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स बैठे थे। राइट डाउन देयर नेम्स, आपको पीछे पिक्चर में मैंने समझाया, तो देखो वही एनिमल्स है चाहे वर्ड्स है जो भी है, उनको देख के आपको इधर इसको कंप्लीट करना है। तो क्या क्या था वो देख लेने का, एंट, स्क्योल, पैरेट, मॉन्की, स्पैरो, पिगन, क्रो, बटरफ्लाई, ये एनिमल्स जो थे पेड़ के ऊपर बैठे थे। तो पूनम पिक अप ए लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड बाइट हर चिक्स, पूनम ने क्या किया, एक लीफ लिया, पत्ता लिया ग्राउंड से और अपने चिक्स को साफ किया। बट हर चिक्स बाय स्टिली स्टिकी, लेकिन उसके चिक्स जो थे ज़्यादा चिकने जैसे हो गए थे। शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पाउंड, तो वो क्या सोचती है, मैं जाती हूँ पास में ही उसके घर के कोई पाउंड होगा, वहाँ जाके अपने फेस को धोती हूँ। अब आगे नेक्स्ट देखिए, वही पिक्चर है जहाँ पे पूनम जाती है अपना फेस धोने के लिए। अब इस पिक्चर में भी देखिए बहुत सारे एनिमल्स बताए हैं, जैसे गोट है, टोरोटाइस है, और ये बफेलो है, फ्रॉग है, ऐसे आपको बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। देखो क्रेन है, स्टॉक है, ये सब एनिमल्स पूनम ने कहाँ पे देखे, पाउंड के अंदर। तो विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पाउंड, आपने बताना है कि पूनम ने पाउंड में क्या क्या देखा। थिंक एंड सोचो और साथ में लिखो, तो इन्हीं पिक्चर में जो नाम है आपको देख के इधर लिखने हैं, टोरोटाइस, फ्रॉग, बफेलो, क्रेन, गॉड फिश, एक्स्ट्रा में आपको और भी दिखेगा तो और भी लिख सकते हैं आप। एंड यू एक्ट लाइक द एनिमल सी एट द पाउंड, बट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट दीज एनिमल्स मेक, ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स एंड मूवमेंट ऑफ वर्ड्स एंड एनिमल्स, आपको मालूम है कुछ एनिमल्स और वर्ड्स की जो साउंड है या मूवमेंट है एक जैसी होती है। तो चलिए, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग वे में चलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल्स जो है चल के जाते हैं, कुछ क्रैल करके जाते हैं, कुछ सम फ्लाई, सम एनिमल्स
स्विम, कुछ तैर के जाते हैं एंड कुछ एनिमल्स होप करके, मतलब जंप करके। तो आपको थिंक एंड राइट, सोचना है और साथ में लिखना है। तो आगे देखिए, हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, अब आपको इनके बारे में बताना है, उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो व्यूरो में रहते हैं और जो नेस्ट में रहते हैं, लिव इन नेस्ट, लिव इन हाउस, लिव इन वाटर, आपको बताना है। तो व्यूरो में कौन कौन सा एनिमल रहता है आप लिख सकते हैं, जैसे रैबिट हो गया, रैट हो गया, मोल हो गया, फिर नेस्ट में भी वैसे ही लिख सकते हो आप, स्पैरो हो गया, पिगन, पैरेट, ईगल, और होम में डॉग, काउ, कैट, गोट, मतलब ये घर के अंदर रहते हैं, और पानी के अंदर फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टोरोडाइस। आगे लिख राइट, आपको क्या करना है, इसको लिखना है कैन फ्लाई, मतलब कि कौन कौन सा वर्ड्स जो है फ्लाई करता है, तो उसके बारे में बताना है, जहाँ लिख सकते हैं नाम, मतलब क्रो, ईगल, पैरेट। जरूरी नहीं कि आपको जो टीचर ने बता रहे हैं तो वही बोलना है, आप अपने से भी लिख सकते हैं जो आपको मालूम रहे कि कौन सा वर्ड्स फ्लाई करता है। अब कैन वॉक, वॉक मतलब चलता है, काउ, गोट, डियर, ये सब चलते हैं। अब क्रैल, क्रैल आप जानते होंगे जो क्या बोलते हैं, रिंग के चलते हैं, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। कैन होप मतलब जो जंप करते हैं, फ्रॉग, रैबिट, कंगारू। आगे देखिए, हैव ए टेल, अब किस किस की टेल होती है, मतलब पूंछ, मंकी, एलिफेंट, काउ। अब हैव हॉर्न्स, सिंग, सभी जानते हैं ना सिंग एनिमल्स के ऊपर होते हैं, बफेलो, गोट, काउ, वैसे ही आप दूसरे नाम भी लिख सकते हैं। वॉक आने वॉल, अब जो वॉल दीवार के ऊपर कौन सा एनिमल्स चल सकता है, स्नेक, एंट, स्पाइडर। अब आगे, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस, जानवर जो है अलग अलग जगह पे रहते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन द ट्री, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, सम लिव इन वाटर, पानी के अंदर रहते हैं, सम लिव ऑन लैंड, कुछ धरती के ऊपर, सम लिव अंडर द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड के अंडर में, एंड सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ आसमान में उड़ते हैं, सम एनिमल्स इवन लिव इन अवर हाउसेस, कुछ एनिमल्स हमारे घर के अंदर रहते हैं। आपको ऐसे ही ये एक ड्राइंग के जैसा ही हो गया, फिल इन द कलर, आपको फिल करना है इसमें कलर, जो एट दोज हु ड्रिंक वाटर वाई द हेल्प ऑफ टंग, जो हमारे जैसे मतलब टंग से पानी पीता है, तो उसके लिए हम रेड कलर यूज करेंगे, और एट दोज हु ड्रिंक वाटर वाई द हेल्प ऑफ लिप्स, जो अपने सिर्फ होंठ से चप चप करके ऐसे पानी पीते हैं, उसके लिए हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। तो आपके पास कलर बॉक्स होगा कलर लेने का, और जो एनिमल्स आपको टंग से पानी पिएगा उसका रेड कलर का गोले में सर्कल में कर देने का, और जो लिप्स से पिएगा उसको ग्रीन कलर में कर देने का। अब फर्स्ट देखिए, काउ है, काउ तो हम कैसे पानी पीती है, ठीक है, लिप से। आगे वैसे ही मंकी है, जो हमारे जैसा टंग से पीता होगा उसको रेड कलर कर देने का, और जो लिप से पीता होगा उसको ग्रीन कलर कर देने का। ये आपका होमवर्क है, सभी एनिमल्स की पिक्चर देख लेने का और उसको कंप्लीट करने का कलर से। अभी हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लेसन रीड किए हैं, उसी का हम करेंगे हार्ड वर्ड्स। तो देखिए, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, A R O U N D, around, N A T U R A L, natural, A P R O P L A N E, aeroplane, P L A N T S, plants, W A T E R, water, S U N, sun, M W O N, moon, H U M A N, human, M O V E M E N T S, movements, S U N F L O W E R, sunflower, G I O W E H, growth, S U N L I G H T, sunlight, O X Y G E N, oxygen, C A R B O N, carbon, D I O X I D E, dioxide, carbon dioxide, E double G S, egg, A N I M A L S, animals, N A